सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। सो अभी RS 200 को निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रॉपर हमने अपनी ट्रिप पे जाने के लिए तैयार कर रखी थी, तो पहले मैं इसका पूरी तैयार कर रखी है अभी अपने ट्रिप पे ले जाने के लिए। तो ये अपना होल्डर वगैरह भी लग चुका है, और पहले कर लेते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया अपनी कोल्ड स्टार्ट, और मिरर कर देते हैं सेट। तो बस जल्दी से कॉल स्टॉप हो गया, चलते हैं एक छोटी सी राइड, और इन्फॉर्मेशन लेनी है अभी अपनी राइड की, जो कि हम जो जाने वाले हैं कल, जो हमारा प्लान है उत्तराखंड का नैनीताल, तो वो प्लान ना डिसाइड हो चुका है। तो चलो सीधे मैं दिखा दूँगा आपको राइड का। सो गाइस, वेदर एकदम बेहतरीन हो चुका है, मौसम एकदम बढ़िया है, कोई भी बारिश वाला मौसम अभी नहीं है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। भीड़ चेक मारो एक बार, भीड़ हो रही है भैया, क्या ही खतरनाक वाली। सो गाइस, एक डिस्कशन होगा आज, जो कि अपनी उत्तराखंड राइड, कल जो स्टार्ट हो जाएगी अपनी, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो प्लान में काफ़ी सारे चेंजेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई हैं भैया, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी उस बातों को डिस्कस करेंगे आज अपनी। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि अपनी RS 200 अपनी राइड पे नहीं जाने की है, ना ही अपनी एवेंजर राइड पे जाने की है। तो जो कि अपनी राइड पे जो बाइक जा रही है वो है समर वाली, एवेंजर जा रही है गाइस, तो हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। इस बार अपनी RS 200 नहीं जा रही है। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि भैया हम सिर्फ दो राइडर जा रहे हैं, मैं और समर, बाकी अपने जुनैद भाई और एक दो राइडर और थे वो लोग नहीं जा रहे हैं ड्यू टू जॉब रीजंस की वजह से। फाइनली अपनी ट्रिप प्लान्ड हो गई बिल्कुल भैया पूरी तरीके से, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि अपनी ट्रिप बिल्कुल कैंसिल हो रही थी, तो हो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, कभी बारिश हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। तो फिर भैया हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही निकलेंगे बस राइड पे, और सबके अगर देखो सबके हिसाब से चला जाता है तो सब वही है, सबके काम वगैरह हैं, जॉब वगैरह है, तो थोड़ा सा भाई मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए तो दो अपने मेम्बर्स नहीं जाने के, और हम दोनों ही जा रहे हैं बस, मैं और समर। और बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं और समर अपनी एवेंजर पे जाएंगे, जो कि समर वाली एवेंजर है गाइस, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस राइड पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अभी से ही। तो प्रॉपर मैंने अपनी बाइक, वैसे तो ये वाली जो RS जो है, ये RS मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी वैसे, तो मेरी जब बात हुई है समर से, समर ने बोला है कि मैं अपनी वाली बाइक लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा नो प्रॉब्लम कि हम वही लेके चलेंगे एवेंजर, और उस पर भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है बाइक पे, क्योंकि कंफर्टेबल के मामले में गाइस बाइक एक नंबर एवेंजर। हर मेरे व्लॉग में, हर मेरी राइड में यही रहता है कि एवेंजर इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल राइडेबल बाइक। वीडियो पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो उत्तराखंड की राइड होने वाली है गाइस उसमें आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नैनीताल वाली जो राइड्स होंगी, जो व्लॉग्स होंगे ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचने पाए और आप इंजॉय करने पाए बढ़िया सी राइड को, बढ़िया सी इस ट्रिप को। और भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा हो रही है आज, हर बार में कोई ना कोई भीड़, और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ही रॉन्ग साइड लेके आते हैं, जिसकी वजह से जाम ज़्यादा लगने लगता है, जैसे कि ये आ रहे हैं। तो बस यही वाली बात आपसे डिस्कस करनी थी, और अपनी RS की पावर क्या ही कमाल है। तो जी, वीडियो को करते हैं गाइस यहीं पे एंड, और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून, स्टे वॉच आने वाली ट्रिप को। तो चलो फिर गाइस करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।